अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है अंडा भुर्जी। आज हम ढाबे स्टाइल जैसी अंडा भुर्जी बनाएंगे। देखिए हमें किस तरह बनाएंगे। हमें यहाँ लेना है 3 अंडे, 5 से 6 हरी मिर्चें, 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, हरा धनिया और 1 इंच का टुकड़ा अदरक। यहाँ मैंने सभी वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं और मैंने बाउल में इन सब अंडों को फोड़ लिया है। अब इन अंडों को हमें अच्छे से फेंटना है। हमारे यहाँ अंडे अच्छे से फिट चुके हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप किया हुआ अदरक का टुकड़ा, फाइनली चॉप किए हुए प्याज। जब हम भुर्जी बनाते हैं तो इसमें हम प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करते, इसे लाइट पिंक ही रखा जाता है। यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है। लाइट पिंक रखने से हमारी अंडे की भुर्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब हम बाहर की ढाबे की भुर्जी खाते हैं तो हमें अपनी घर की भुर्जी डिफरेंट लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से भुर्जी बनाएंगे तो आपकी भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ मैंने ऐड किए हैं टमाटर। टमाटर को हमें प्याज हरी मिर्ची में अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने हिसाब से भी नमक कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमने यहाँ नमक डाला है ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। अब हम इसे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए बनाएंगे। हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे टमाटर गले कि नहीं गले। आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और हमारी जो भुर्जी का ऑयल है वो रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। जी हाँ, पाव भाजी मसाला। जब हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो ढाबे जैसे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डालेंगे। ढाबे वाले पाव भाजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे भाजी में एक अलग ही टेस्ट आता है। जब भी आप अंडा भुर्जी बनाएं तो आप पाव भाजी मसाले का भी यूज़ ज़रूर करें। खाने वाले कहेंगे आज तो कुछ अलग ही स्वाद है। आप देख सकते हैं कि हमारे जितने मसाले थे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फटे हुए अंडे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो हमारी भुर्जी पैन में चिपक जाएगी, जिससे हमें भुर्जी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और ये दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप लोग इसे जब भी बनाएं तो इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करें। फ्रेंड्स, अब हमारी भुर्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।